वनडे में ऐसा कारनामा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी मिताली राज। 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर में जन्मी मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू 1999 में आयरलैंड के खिलाफ किया था। मिताली 10 टेस्ट मैचों के 16 पारियों में 663 रन बना चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं। भारतीय महिला वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। मिताली अब वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली ने शुक्रवार 6 अप्रैल को इंग्लैंड के खिलाफ अपना 192वां वनडे मैच खेला। इसी के साथ उन्होंने 4 लोटेड वर्ड्स 191 मैच का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर में जन्मी मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू 1999 में आयरलैंड के खिलाफ किया था। मिताली 10 टेस्ट मैचों के 16 पारियों में 663 रन बना चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं। 192 वनडे मैचों में दाएं हाथ की ये बल्लेबाज 6 से चुरी और 49 फिफ्टी की मदद से 6295 रन बना चुकी हैं। वहीं बात 72 टी20 मैचों की करें तो मिताली ने इस फॉर्मेट में 14 अर्धशतक की मदद से 1977 रन बनाए हैं। मिताली टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक भी जड़ चुकी हैं। सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी 192 मैच मिताली राज भारत, 191 मैच 4 लोटेड वर्ड्स इंग्लैंड, 167 मैच झूलन गोस्वामी भारत, 144 मैच एलेक्स ब्लैकवेल ऑस्ट्रेलिया, पूनम यादव 34 की शानदार गेंदबाजी के बाद स्मृति मंधाना 86 की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को इंग्लैंड को पहले वनडे में 5 गेंद शेष रहते 1 विकेट से हराकर 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 207 रन बनाए, जिसे भारत ने 49.1 ओवर में 9 विकेट पर 208 रन बनाकर हासिल कर लिया। मंधाना ने 109 गेंदों में 86 रन की अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी में 5 चौके और 4 छक्के लगाए। इसके अलावा दीप्ति शर्मा ने 24, हरमनप्रीत कौर ने 21 और दीपिका ने 15 रन का योगदान दिया। इसके अलावा एकता बिष्ट ने नाबाद 12 और पूनम यादव ने नाबाद 7 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए सोफी एस्ले स्टोन ने 31 रन पर 4 विकेट, डेनियल हेजल ने 34 रन पर 2 विकेट और जॉर्जिया एल्विस ने 14 रन पर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन बनाए। फ्रान विल्सन ने 78 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 45, टैमी बीमाउंट ने 48 गेंदों पर 6 चौकों की बदौलत 37, डेनियल हेजल ने 33, नेताली सेवियर ने 21 और डेनियल वैट ने 27 रन बनाए। भारत के लिए पूनम ने 30 रन पर 4 विकेट, एकता बिष्ट ने 49 रन पर 3 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 25 रन पर 2 विकेट झटके। दोनों देशों के बीच दूसरा वनडे मैच इसी मैदान पर 9 अप्रैल को खेला जाएगा।